हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जल संसाधन और विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको मेरे पिछले एक महीने के सभी 30 वीडियो के PDF फाइल चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मात्र 99 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का नाम खाली स्थान है क्या है? छत्तीसगढ़ में राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सिहावा नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, लीलागर। लीलागर नदी का प्राचीन नाम नीडिला है, यह भी याद रखेंगे। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कोरबा बिलासपुर है। इस नदी के तट पर मल्हार स्थित है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तालपेरू नदी है किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, गोदावरी नदी की। ओके, गोदावरी नदी की तालपेरू नदी सहायक नदी है। और प्रमुख से सहायक नदियां हैं जैसे कि नंदीराज, बोर्डिंग, चिंतावागु, ये सभी सहायक नदियां हैं, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांड नदी छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांदुला नदी निम्न में किस नगर के समीप से बहती है? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांदुला नदी निम्न में से किस नगर के समीप से बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, बालोद नगर के समीप से बहती है। बालोद के साथ साथ दुर्ग और कांकेर के क्षेत्र में भी यह तांदुला नदी बहती है। यह उत्तर की ओर बहने वाली शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उच्च सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा जिला उच्च सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, निम्न में से धमतरी। ओके, और राज्य की सबसे कम सिंचित जिला कौन सी है, यह भी याद रखेंगे, तो वह है नारायणपुर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के तट पर बसे रसमड़ा गांव देश की प्रथम निजी जल प्रदाय योजना ऑटोमेटिक फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम प्रारंभ की गई है? क्या बोला गया है? किस नदी के तट पर बसे रसमड़ा गांव में देश की प्रथम निजी जल प्रदाय योजना ऑटोमेटिक फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम प्रारंभ की गई है? किस नदी के तट पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, शिवनाथ नदी के तट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुतियापाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी सिंचाई परियोजना, नाम देखेंगे, सुतियापाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, कबीरधाम जिले में। और इस जिले के प्रमुख सिंचाई या अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी है? क्षीरपानी, सरौंधा, ये भी प्रमुख योजनाएं हैं, इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सबसे लंबी एवं बड़ी नहर प्रणाली का उद्गम एवं पिकअप वियर रुद्री धमतरी जिला का निर्माण सर्वप्रथम किस सन में किया गया था? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी और बड़ी नहर प्रणाली का उद्गम एवं पिकअप वियर का निर्माण सर्वप्रथम किस सन में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 1915 में। ओके, देखिए, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम निर्मित परियोजना 1993 में रुद्री पिकअप योजना के स्थान रुद्री बैराज ने ले लिया। यह 1915 में इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घुनघुट्टा नदी पर अवस्थित परियोजना है कौन सी नदी पर? घुनघुट्टा नदी पर अवस्थित परियोजना, कौन सी परियोजना घुनघुट्टा नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, श्याम परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, रविशंकर जलाशय। ओके, रविशंकर जलाशय, सागर जलाशय 1980 में निर्मित है, इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर अवस्थित है? माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर अवस्थित है? यह है आपके सिलियारी नदी पर। ओके, यह सिलियारी नदी पर स्थित है, स्थापना वर्ष 1923। ओके, यह एशिया का पहला सैफन बांध है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जल अपव्यय तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार भागों में। ओके, चार भागों में छत्तीसगढ़ राज्य का जल अपव्यय तंत्र को बांटा गया है। महानदी अपव्यय तंत्र, गोदावरी, गंगा और नर्मदा नदी अपव्यय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कोडार बांध की ऊंचाई कितनी है? क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोडार बांध की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडार बांध की ऊंचाई लगभग 24 मीटर है, 24 मीटर। ओके, यह कोडार नदी पर स्थित है, महासमुंद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकासार जलाशय की स्थापना किस सन में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? सिकासार जलाशय की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स,
1979 में, ओके 1979 में सीकासार जलाशय की स्थापना की गई थी, या गरियाबंद में स्थित है। इस बांध की अधिकतम ऊंचाई 9.32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरोदा तथा खरखरा बांध किस जिले में स्थित है। क्या बोला गया है, मरोदा तथा खरखरा बांध किस जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, दुर्ग एवं बालोद जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। क्या बोला गया है, निम्न ऑप्शन में से नदियों का पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है छत्तीसगढ़ में इन नदियों का स्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पा नदी, लीलाघर नदी, उसके बाद हसदेव नदी और लास्ट में मांड नदी। इन नदी का क्रम पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित संबंध बनाइए परियोजना और उसके जिला को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परियोजना और जिला का उचित संबंध बनाइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसार टेडा या कौन से जिला में स्थित है, बस्तर जिला में सूतियापाट, या कवर्धा या कबीरधाम जिला में, झुमका परियोजना या कोरिया जिले में, और श्याम परियोजना बलरामपुर जिले में। इन सभी जिले का परियोजना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित है। कौन सा सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, राजनंद गांव में। ओके सूखा नाला बैराज राजनंद गांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर छत्तीसगढ़ के में लगभग गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 28% भाग पर। ओके सबसे अधिक विस्तार महानदी का है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।